तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे एक्जिटा कोटन के बारे में। तकरीबन 3% का जंप हमें स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग डे को दिखाई दिया। 5 दिनों में 6% के अराउंड तेज़ी है। पिछले एक मंथ की बात करें तो न्यूट्रल से रिटर्न है। 6 मंथ में स्टॉक ने 6 से 7% की गिरावट दिखाई है, और जो फॉल आया हुआ है अगर हम फॉल से कंसिडर करें तो स्टॉक ने तकरीबन 30% का लो हमें दिखाया हुआ है कम से कम, और अगर बिल्कुल लो की हाई से लो को कंसिडर करें तो स्टॉक ने 40% की गिरावट हमें दिखाई है। पिछले एक साल में 10% की तेज़ी है। मैक्स चार्ट आप सभी के सामने है। एक्सपेक्टेशंस इस शेयर से काफ़ी ज़्यादा थी, और मैंने न जाने स्टार्टिंग में कितनी वीडियो बनाई थी, इस स्टॉक से अच्छा पैसा भी निकाला हमने, लेकिन जब स्टॉक ओवर प्राइस हो गया तब आपको चिल्ला चिल्ला के भी कहा था कि एग्ज़िट करो एग्ज़िट करो एग्ज़िट करो, बट लोगों ने नहीं करा। अब जब स्टॉक स्टेबल हो चुका है तब न जाने क्यों लोग यहाँ पर पैसा लगाने से डर रहे हैं, जबकि अब सही टाइम है। 560 करोड़ के अराउंड मार्केट कैप है। 28 का पी, यानी कि स्टॉक आपको सस्ते प्राइस पर मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप डिविडेंड यील्ड देखें तो छोटी कंपनी होने के बावजूद एक अच्छा खासा डिविडेंड भी आपको दिया जा रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37.9 है, यानी कि 38 अप्रॉक्सीमेटली, जो कि मोर देन इनफ है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 35% के अराउंड है, अगेन मोर देन इनफ है। ये 17 के अराउंड होता तब भी मैं सेटिस्फाइड था, 17 से तो ये बहुत ऊपर है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी 22% है। प्रमोटर होल्डिंग 62% है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 64 थी, यहाँ पर अब 62 हो चुकी है, तो यहाँ पर थोड़ी सी 2% के अराउंड प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है। सेल्स 99.4% इंक्रीज़ हुई है, जबकि प्रॉफिट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है 19.24%। रिज़र्व की बात की जाए तो कंपनी के पास 38 करोड़ रुपीज़ हैं, और यहाँ पर कर्ज़ा कंपनी पे 25 करोड़ का है, तो कंपनी कर्ज़ा चुकाने के बाद भी प्रॉफिट में है। FIs ने 0.14% की होल्डिंग बना के रखी है, जो कि एक अच्छा साइन है। अगर मैं देखूं तो यही चीज़ थोड़ी सी तंग करने वाली है, वो ये है कि स्टॉक जो है 50-day मूविंग एवरेज और 200-day मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और ये अभी की बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टाइम से कर रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर एक बड़ा लॉस हमें दिखाई दे सकता है। बाकी अगर हम स्टॉक को प्रॉफिट में देखें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट भी गेन कर रही है, और नेट प्रॉफिट कंपनी के 20 करोड़ के अराउंड हो चुका है, जो कि पिछले साल 17 करोड़ था और उससे पहले 15 करोड़ था। इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग के साथ FIs की भी होल्डिंग बढ़ी है और DI की भी होल्डिंग बढ़ रही है। बाकी अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी एक अच्छा खासा इंटरेस्ट इस स्टॉक में लेती है। थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन जिस लेवल पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है वहाँ से तेज़ी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली की जा सकती है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही।